All right. So good evening, everyone. Welcome to Introduction Webinar. ये Introduction Webinar है और हिंदी वेबिनार है. उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी. मेरा नाम शिवम है. तो आप अभी ये जो वेबिनार है वो इंट्रोडक्शन वेबिनार है, तो इसमें मोर ओवर मैं बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करूंगा, थोड़ा बहुत ऑर्डर फ्लो और वॉल्यूम एनालिसिस के टूल्स के बारे में भी बात करूंगा. ओके, तो आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी. प्लीज टाइप यस, देन आई कैन प्रोसीड. ओके, तो जब भी आप कॉन्टावर को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करोगे तो आपके पास जब आप ओपन करोगे उसको तो 5 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा आपको, और वो ट्रायल जो है यहाँ पर दिखाई देगा. ठीक है, आपका प्रोफाइल होगा ये, यहाँ पर 5 डेज ट्रायल दिखाई देगा. साथ ही में एक बाइंड ओपन होगा, जैसे ये एक बाइंड है. ठीक है, इसको बाइंड या टेम्पलेट बोलते हैं. अब ये जो बाइंड है ये बाय डिफॉल्ट ओपन होता है. ओके, इसको आप चेंज करके कुछ और बाइंड भी रख सकते हो. तो यहाँ पर आप देख सकते हो इक्विटी फ्यूचर्स का कुछ हमने लगाया हुआ है, कुछ चार्ट से नॉर्मल या ऑर्डर फ्लो चार्ट से, बैंक निफ्टी का ऑर्डर फ्लो चार्ट है, मार्केट प्रोफाइल, डोम सर्फेस, ये लाइव में वर्क करता है, देन ऑप्शन एनालिटिक्स. तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो पैनल है उसको कंबाइन करके एक बाइंड बनाया हुआ है. ठीक है, और तो ये एक डिफॉल्ट टेम्पलेट है, इसको क्लोज कर सकते हैं. जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ अपना एक खुद का टेम्पलेट बनाने का, जो आप जब भी ट्रेड करोगे तो जो भी ट्रेडिंग आप करते हो उसके हिसाब से बनाने के लिए. ओके, तो यहाँ पर जो आप फर्स्ट बटन देख रहे हो ये डैशबोर्ड बटन है कॉन्टावर का. इसको आप क्लिक करोगे तो बहुत सारी चीजें आपके सामने ओपन होगी, टेम्पलेट, एनालिटिक्स और भी बहुत सारे पैनल्स होंगे. यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करोगे तो आपको बताएगा कि आपका अपडेटेड वर्जन पे है कि नहीं है. ठीक है, तो ये जो टेम्पलेट्स है इसमें आपके टेम्पलेट्स दिखेंगे, कुछ प्री डिफाइंड होंगे यानी कि पहले से दिए हुए हैं, और कुछ जो है आपको बनाने पड़ेंगे. उसके नीचे जो एनालिटिक्स है, एनालिटिक्स में सबसे मेन चीजें हैं चार्ट हो गई, वॉच लिस्ट हो गई, ऑप्शन वॉच लिस्ट हो गई, ऑप्शन एनालिटिक्स हो गई, तो इसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे. इसके पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो डैशबोर्ड के सामने ही आपको दिख रहे हैं ये जो बाइंड, ये जो टेम्पलेट्स है ना, ये सारे पिन कर सकते हो. आपको जो भी पिन करना है, जैसे चार्ट आप ऑफनली ओपन कर रहे हो, ऑप्शन एनालिटिक्स आप ओपन कर रहे हो, तो इसको आप जो है मार्क कर दो यहाँ पर, पिन कर दो यहाँ पर, आप इनको यूज कर सकते हो, अपने बाइंड्स को भी कर सकते हो. उसके बाद यहाँ पर टिकट टेप है, टिकट टेप को अगर मैं राइट क्लिक करके ओपन करूँ तो ये मैंने कुछ टिकट टेप्स लगा रखे हैं, निफ्टी 50 के, जो भी चीजें आप रेगुलरली ऑफनली चेक करते हो, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, इंडिया विक्स, पिन निफ्टी, तो ये सब चीजें आप लगा सकते हो. उसको आप रिलेटिव या एब्सोल्यूट चेंज में देख सकते हो. उसके बाद यहाँ पर कनेक्शन विंडो है, ये ट्रू डेटा पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना तो आप मेरे पास पूरे कनेक्शन विंडो आ जाएगी. ठीक है, ये विंडो में आपको सारे ब्रोकर्स मिल जाएंगे जो जो इंटीग्रेटेड है. बाय डिफॉल्ट आपको ट्रू डेटा का ट्रायल मिलता है, तो आपके पास आपको इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपके पास ब्रोकर है कि नहीं. आपको 5 डेज का ट्रायल डेटा मिल रहा है, सॉफ्टवेयर प्लस डेटा दोनों मिल रहा है. उसके बाद जैसे ट्रायल खत्म हो जाएगा आप ब्रोकर चूज कर सकते हो या ट्रू डेटा के साथ भी जा सकते हो. ओके, वो आपका चॉइस है, उसके बारे में मैं डिटेल में एंड में बताऊंगा. उसके बाद जो है ये सेटिंग्स का बटन है, इसको मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पर ये जनरल सेटिंग ओपन करती है. ठीक है, जनरल सेटिंग में आप दो चीजें कर लेना, एक तो ये डिफॉल्ट सिंबल है, ये डिफॉल्ट सिंबल आप यहाँ पर सेट कर दो कोई एक जो आप बार बार ओपन करते हो. जैसे मैं निफ्टी ओपन कर, मैं चार्ट ओपन करता हूँ, देखो निफ्टी फ्यूचर ओपन हो रहा है, तो ये मैंने सेट किया हुआ है. उसके नीचे यहाँ पर ना ट्रेडिंग हॉट कीज है, तो इनको एक बार गो थ्रू कर लेना. आपको जो भी चीजें रीलोड अगर आप करते हो या रीलोड का आई थिंक चार्ट पे, यहाँ पर जो दूसरी हॉट कीज है उनको आप रीड कर लेना. ठीक है, तो ये पैनल जो आप एक्सप्लोर कर लेना. मैंने आपको बता दिया कि निफ्टी जो है एक डिफॉल्ट सेट करके रखो और थीम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. मैं जनरली डार्क प्रेफर करता हूँ, आप कोई और भी थीम लगा सकते हैं. ये डार्क फॉरेस्ट हो गई, ये डार्क हो गई, व्हाइट लगाना है तो व्हाइट भी लगा सकते हैं. उसके बाद जो है टाइमिंग है, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क बटन जो है वो एक्चुअली हेल्प है. तो यहाँ पर सारा टेलीग्राम सपोर्ट हमारा, व्हाट्सएप सपोर्ट, मेजरली सपोर्ट जो है व्हाट्सएप पे, यूट्यूब वीडियोज, कॉन्टावर एल्गो के कुछ वीडियोज, हेल्प वेबसाइट, वो सब चीजें यहाँ पर. ठीक है, और प्रोफाइल मैंने आपको ऑलरेडी बताया, प्रोफाइल के बाजू में चार बटन भी है. अगर आप जैसे आप कॉन्टावर में ट्रेडिंग करोगे तो वहां पर ये जो दो बटन है टॉप के वो यूज होंगे. पर्स यानी कि आपने कोई ट्रेड ले रखी है, और ट्रॉली यानी आपकी कोई लिमिट ऑर्डर लगी हुई है. उसके बाद अगर आपको कोई एल्गो रनिंग है तो यहाँ पर एल्गो जो है ये भी हाईलाइट होने लगा, ये ग्रीन की तरह. ठीक है, और रिफ्रेश यानी कि अपडेट करने का, लेटेस्ट अपडेट आएगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा. ओके, ठीक है, तो अभी हम पहले एनालिटिक्स में चलते हैं. यहाँ पर डैशबोर्ड पे क्लिक करके यहाँ पर चार्ट, वॉचलिस्ट, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पहले हम ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं. तो ऑप्शन एनालिटिक्स का मैंने एक पैनल ओपन किया. ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ ऑप्शन एनालिटिक्स, ये कोई भी सिंबल के साथ ओपन कर सकता है. आपको यहाँ पर सिंबल जो है चेंज कर लेना. मैंने निफ्टी बैंक लगा लिया. ठीक है, निफ्टी बैंक लगाने के बाद यहाँ पर पूरी ऑप्शन चेन मेरे पास ओपन हो गई. 16 स्ट्राइक्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मैं इसको चेंज करके 32, 64 ऑल स्ट्राइक्स भी कर सकता हूँ.
साथ ही में मैं यहाँ पर नेक्स्ट वीक की भी देख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ, 8 स्ट्राइक्स दोनों साइड में, तो यहाँ पर ये देखो, ये कॉल का डेटा है, ये पुट का डेटा है, और मेरे पास ये 27 जुलाई यानी कि मंथ एक्सपायरी जो है वो भी आ रही है, और जो अभी करंट एक्सपायरी है, ठीक है। यहाँ इस करंट एक्सपायरी को 3 डेज टू एक्सपायर है। यहाँ पर हेडर जो है मैं और भी कोई लगा सकता हूँ, लास्ट डेल्टा गामा थीटा जो भी मुझे लगाना है, ओपन इंटरेस्ट लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये ऑप्शन एनालिटिक्स आपका हो गया। इसमें क्या है, आप बहुत जल्दी नेविगेट करके ट्रेड कर सकते हो। जैसे आपने चार्ट एक बाजू में रखा हुआ है, आपने यहाँ पे कोई एक कॉल उठा के डाल दिया या पुट उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अभी देखो ये 45,600 का पीई है, ये 45,600 का पीई है, ठीक है। ये क्या है, बहुत क्विकली आपको ट्रेड करने के लिए, जैसे अगर आपने समझो आप चेंज इन ओआई देखते हो, तो मैं यहाँ पे एक चेंज इन ओआई लगा लेता हूँ, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर क्या है, किसी भी ऑप्शंस में देखना चाह रहे हो तुरंत, कोई भी हाई लो ब्रेक हो रहा है या कोई भी एक सर्टेन लेवल पे, तो आप तुरंत यहाँ पर ना आके देख सकते हो कि ओआई कितना चेंज हुआ है। ओआई के बेस पे आप अलर्ट लगा सकते हो। अब जैसे मेरे को एक अलर्ट लगाना है कि भाई जैसे मेरे को लगता है कि 10,000 का ओआई अगर रैंडमली, मतलब स्टार्ट के मार्केट में तो ओआई रहता ही है, अगर कहीं पर कोई हाई लो ब्रेक के नियर है और कहीं पर 10,000 के आसपास का ओआई चेंज हो रहा है, वेदर नेगेटिव या पॉजिटिव, यानी कि ओआई बढ़ रहा है या घट रहा है, समझो मैंने ऐसे लगा दिया अलर्ट, तो जैसे ही ओआई को टच होगा तो मुझे अलर्ट आ जाएगा, ठीक है। ये चेंज इन ओआई का इंडिकेटर है, इसके ऊपर आएंगे बाद में। अभी मैं खाली आपको दिखा रहा हूँ कि कितना क्विकली आप नेविगेट कर सकते हो एक स्ट्राइक से दूसरे स्ट्राइक पे, क्योंकि आप यहाँ पर ट्रेड भी कर सकते हो। ये ट्रेडिंग पैनल ओपन कर दिया, यहाँ पर क्वांटिटी टाइप कर दी, यहाँ मार्केट पे क्लिक कर दिया, बाय हो गया, बिड एंड आस्क पे करना है, आप थोड़ा बहुत सेविंग करना चाहते हो यहाँ पे, ठीक है। अननेसेसरी आपको जो है स्लिपेजेस के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मतलब वो स्लिपेज का जो नुकसान है वो नहीं होगा, बिड आस्क पे ट्रेड कर रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। इसका आप पूरा बाइंड बना के रख सकते हो, ठीक है। अगर मेरे को एक बाइंड बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल प्लस यहाँ पर क्लिक करूंगा, कंट्रोल प्लस डी दबा सकता हूँ या डुप्लीकेट पैनल, तो डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दो विंडोज हो गए मेरे पास, दो जो है चार्ट की विंडो है, ओके। तो ये मैंने यहाँ पर रख सकता हूँ, चाहिए तो मैं इसके अंदर भी डाल सकता हूँ, वापस भी निकाल सकता हूँ। जब मैं यहाँ पर इसमें अगर डालूंगा किसी भी एक पैनल में, अगर आप उसको मर्ज करोगे तो सेम जो है साइज हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया अभी चार्ट के लिए, तो आपको चार्ट तो समझ ही गया। लेट से आप जो है ऑप्शन ट्रेडर हो और सेलर हो, ठीक है, तो सेलर्स के लिए क्या आप कर सकते हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन वॉचलिस्ट यूज कर सकते हो। ये मैंने ऑप्शन वॉचलिस्ट ओपन की, अब मैं इसको फिलहाल इसमें मर्ज कर दे रहा हूँ ताकि सेम साइज हो जाए। तो अभी सेम साइज हो गया, और इसको भी हम ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। इसको चार्ट को हम बाद में करेक्ट करेंगे साइजिंग। अभी मैंने यहाँ पे ऑप्शन वॉचलिस्ट लगा लिया। अब मुझे क्या करना है, कोई स्ट्रेडल लॉन्ग या शॉर्ट स्ट्रेडल बनाना है, तो मैं 45,600 का कॉल और पुट दोनों ले लिया, इसको सेल कर देंगे, ठीक है। ये भी सेल कर देंगे, हम खाली अभी सिलेक्ट कर रहे हैं कि सेल कर, ठीक है। -1 -1 देखो आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं चूज कर सकता हूँ डेल्टा थीटा गामा, मुझे सब देखना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे कंबाइन चार्ट देखना है, कंबाइन प्रीमियम चार्ट, तो पेपर पोजिशन जो लिखा है उस पर क्लिक, राइट क्लिक करके क्रिएट स्ट्रेटेजी, और ये मेरा स्ट्रेडल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नाम चेंज कर सकता हूँ, फिलहाल सेम ही रखता हूँ, सेव कर दिया मैंने, ठीक है। तो जो आप नाम रखते हो वो यहाँ पे दिखता है, दोनों का कंबाइन प्रीमियम प्राइस क्या है, 488, ठीक है। तो अगर कोई भी अगर इसको सेल करेगा तो उसको क्या मिल, कितना पैसा मिल रहा है, 488। तो अब इसका अगर मैं चार्ट देख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका चार्ट देखूँ तो ये स्ट्रेडल का चार्ट है, या आप कंबाइन प्रीमियम चार्ट बोल सकते हो। इसमें आप अलर्ट लगा सकते हो, आपने कोई ट्रेड ले लिया, समझो 9:20 को ट्रेड लिया, वहां से आपको पता है 25% के आसपास का आपका एसएल है, आपने यहाँ से ऐसे करके देख लिया, ठीक है। समझो आपका कंबाइंड का एसएल है, कंबाइंड एसएल है, मतलब जनरली कैसा लोग प्रीमियम वाइज पे लगाते हैं, अगर समझो आपका कंबाइंड एसएल है, आपने यहाँ पे लिया है, तो आप उसके बेस पे भी लगा सकते हो, अलर्ट यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर कोई इंडिकेटर भी लगा सकते हो, इवन आप यहाँ पे ओवरले भी लगा सकते हो। अब क्योंकि ये मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का लिया हुआ है, तो मुझे बैंक निफ्टी का जो है ओवरले का चार्ट भी देखना है, तो मैं बैंक निफ्टी का ओवरले चार्ट लगा लेता हूँ, ठीक है। साथ ही में मैं निफ्टी भी लगा लेता हूँ, ओवरले एड ओवरले, ठीक है। मैं इनको लाइन के बदले कैंडल भी कर सकता हूँ, बट क्योंकि दो दो कैंडल हो जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, देखो ये भी कैंडल हो गया, तो मैं इसलिए इसको भी लाइन कर दूंगा, ओके। अब क्या है, यहाँ पे जो प्राइस स्केल है ना, इसको मैं चेंज करके देखो निफ्टी का कर सकता हूँ, ये प्राइस स्केल किसके, इनके ओवरलेस के, तो ये मैं कोई भी प्राइस स्केल देख सकता हूँ, निफ्टी बैंक का, निफ्टी का, और ये साइड में जो है मुझे मेन जो चार्ट है उसका प्राइस स्केल है। इसमें याद रखो क्योंकि ये स्ट्रेडल है, ठीक है, ये स्ट्रेडल है, और ये कैसे आप सेलर हो, तो आपने जितने महंगे में बेचा है, जैसे आपने 800 में बेचा है, तो 800 से कम हो जाएगा तो आपका बेनिफिट होगा, वही ऊपर जाएगा तो आपका वो लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऊपर जा रहा है प्राइस तो आप स्ट्रेडल में कमा रहे हो, यानी सेलर कमा रहा है, वही नीचे जाएगा तो एक्चुअली आप लूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये इसको मैं यहाँ पे मर्ज कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने बहुत सारी चीजें कर ली, देखो ये कंबाइन
ऑनलाइन प्रीमियम चार्ट बना लिया, ये भी बना लिया, यहाँ निफ्टी बैंक है तो मैं डुप्लीकेट पैनल करके निफ्टी फिफ्टी का भी चाहता हूँ, तो मैंने डुप्लीकेट पैनल करके डाल दिया यहाँ पे, इसमें मैं निफ्टी फिफ्टी लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये निफ्टी फिफ्टी आ गया, निफ्टी फिफ्टी का मेरे को कोई स्ट्रैडल बनाना है, उसका भी मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, बैंक निफ्टी तो यहाँ है ही, इसका एक हड्डा देते हैं, ठीक है। तो अब मुझे ना इसका सेव करना है, ये जो बाइंड मैंने बनाया है ये मुझे सेव करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा क्रिएट बाइंड, क्रिएट बाइंड करते ही देखो ये हाईलाइट कर रहा है, इस पेज, इस वाले पैनल को हाईलाइट कर रहा है, यहाँ क्लिक किया देखो अब इसको भी हाईलाइट कर रहा है, फिर इसको क्लिक किया तो ये भी हाईलाइट कर रहा है, अब मैंने इसको बाइंड कर दिया, ठीक है। जो बॉर्डर है ना, एजेस जो है वो सिमिलर होने चाहिए, सेम साइज के होने चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, गैप होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो आपको लिख के भी आ जाएगा, वो आपको हाईलाइट करके बताएगा कि गैप की वजह से बाइंड नहीं हो रहा है। अब ये मैंने पूरी बाइंड बना ली, इसको मैं बड़ा बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, चार्ट्स को मेन बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब ये मेरे को सेव करना एज इट इज, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा सेव टेम्पलेट, इसका कोई एक नाम दे देते हैं, जो टेस्ट 789, ठीक है, 789 जो है, मैं इसका शॉर्ट नेम भी रख देता हूँ, शॉर्ट नेम यानी कि क्या है, क्योंकि आप बहुत बड़ा नाम भी देख सकते हो, बट हम लोग देखो शॉर्ट नेम से बुलाते हैं, WLI CHT मतलब चार्ट, ON मतलब ऑप्शन एनालिटिक्स, कोई भी शॉर्ट नेम रख दिया तो शॉर्ट नेम आपको हाईलाइट हो, सेव, पूरा नाम भी दिखाएगा जब आप अपने इस पे क्लिक करोगे, देखो अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं टेम्पलेट्स में जा रहा हूँ, तो यहाँ देखो ये 789 बता रहा है, ठीक है। ये कौन सा टेम्पलेट है जो मैंने से अभी ये बनाया है, तो इसको बंद कर देते हैं और फिर से ओपन करते हैं 789 पे, मैं इसको यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ, बट समझो ये मेरा रेगुलर टेम्पलेट है, मैं इसको यूज करना चाहता बार बार, तो मैं पिन भी करूंगा ऊपर, तो ये स्टार पे क्लिक कर दिया, अब ये पिन हो गया देखो ऊपर 789, ठीक है। इस पर क्लिक किया एज इट इज ओपन होगा, जो मैंने इसको जैसा बनाया था, तो यहाँ पे मेरे पास ये हो गया ऑप्शन एनालिटिक्स के दोनों, उसके बाद मेरा ये स्ट्रैडल का चार्ट था वो भी ओपन हुआ, कंबाइंड प्रीमियम चार्ट था, छोटा कर लेते अच्छे से दिखे था कि उसका प्रीमियम चार्ट भी तो ओवरले, और यहाँ पे जो दो अलग चार्ट से वो भी, ठीक है। इसमें आप इंडिकेटर भी लगा सकते हैं, सब कुछ लगा सकते हो, ठीक है। ये जो मैंने किया है ये इसको बोलते हैं टेम्पलेट बना के सेव करना, तो आपको अपने बाइंड्स बनाने पड़ेंगे, बाइंड यानी कि टेम्पलेट, ठीक है। उन टेम्पलेट्स को आप बेसिकली आप बाइंड कर दोगे और सेव कर दोगे, सेव करते ही उनको हम टेम्पलेट्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। आप जैसे सेव करोगे देखो यहाँ पे मेरे कितने सारे बने हुए, तो आपको भी अपने बनाने पड़ेंगे, जो भी आप जैसी भी ट्रेडिंग करते हो, ओके। तो ये आपको अभी ऑप्शन एनालिटिक्स का बता दिया, अब मैं थोड़ा वॉच लिस्ट के बारे में बताता हूँ। तो मैंने वॉच लिस्ट ओपन किया, वॉच लिस्ट जो है नॉर्मल वॉच लिस्ट सभी का जैसे होता है वैसे ही है, पर यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, जैसे आप कोई सिंबल सर्च करते हो तो यहाँ पे आप क्या फिल्टरिंग कर सकते हो, अननेसेसरी आपको ज्यादा सिंबल नहीं दिखाया, जैसे आप CM और FNO में काम करते हो तो इनको सिलेक्ट कर लो फिल्टर में, ठीक है, और ऑल टाइप्स में कुछ सिलेक्ट नहीं करना। अगर आपने मल्टी कनेक्शन सिलेक्ट किया जैसे कोटक भी और ट्रू डेटा भी, तो आप यहाँ पर कोई सिलेक्ट कर सकते हो कि कोटक का ही सिंबल दिखाना है या ट्रू डेटा का, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने तीन कनेक्शन कनेक्ट किया, मान लो IFL भी, कोटक भी और 5paisa भी, तो आप जब रिलायंस सर्च करोगे ना तो तीन तीन रिलायंस बताएगा, और ये भी हो सकता है कि BSE का भी बताए, ठीक है, आपका एक्टिव है, तो प्रॉब्लम यहाँ होगा कि आपको आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कौन सा सिंबल लगाया। हालांकि आप यहाँ पे कनेक्शन नेम जो है जाके देख सकते हो, यहाँ पर कनेक्शन नेम आता है, ठीक है। अब जैसे मैंने कनेक्शन नेम यहाँ पे इनेबल कर दिया, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से भी लगा सकता हूँ, बट मेरे पास प्री डिफाइंड भी है, देखो यहाँ पे क्लिक करने के बाद प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट है, इसमें मैं ट्रू डेटा में जाऊंगा तो चलेगा, अगर मैं गिल ब्रोकिंग लगा लूँ या IFL लगा लूँ तो नहीं चलेगा, क्योंकि मैं कनेक्टेड ही नहीं हूँ उनसे, खाली ट्रू डेटा से कनेक्टेड हूँ, ट्रू डेटा निफ्टी फिफ्टी एड टू वॉच लिस्ट, ये लग गया यहाँ पर, ये नाम भी आ रहा है इसका, ठीक है। अब मुझे पता है इसलिए कोई जरूरत नहीं है मुझे कनेक्शन नेम की, लेकिन अगर मैं तीन कनेक्शन के साथ कनेक्टेड होता तो मुझे शायद जरूरत थी, ओके, उसको भी हटा देता हूँ, ओके। अब ये तो हो गया नॉर्मली, ये HDFC भी यहाँ से मर्ज हो गया, इसको हटा देते हैं। तो अभी क्या हो गया कि ये तो मेरी वॉच लिस्ट आ गई, ठीक है, वॉच लिस्ट आ गई, और इसके जो भी मुझे हेड चाहिए मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ सारे, और मैं इसको सेट एज डिफॉल्ट कर सकता हूँ, आप कोई भी चीज लगाओगे ना यहाँ पे जब ओपन करोगे तो बिडास भी रहेगा, तो ये सब हटा के आप ना यहाँ पर सेट एज डिफॉल्ट कर देना। सेट एज डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि आप आपको अगली बार भी ऐसा ही ओपन करके दे जो सेटिंग्स आपने रखी, ठीक है, तो वो कर लेना, और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, तो इस इंडिकेटर में जाके आप कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हो, OI बिल्डअप के इंडिकेटर्स है, वॉल्यूम रिलेटेड इंडिकेटर्स है, कुछ नॉर्मल इंडिकेटर्स है। अब समझो मैं एक इंडिकेटर लेता हूँ जैसे कि EMA ले लिया, ठीक है, अब यहाँ पर EMA जो है मुझे चाहिए 21 का EMA चाहिए, ठीक है, 21 का मुझे EMA चाहिए, और मैं इसमें ना बाय पीरियड भी ले सकता हूँ, ऑल अवेलेबल डेटा भी ले सकता हूँ, वो कैलकुलेशन टाइप मेरे पे डिपेंड करता है मैं किस तरीके का कैलकुलेशन टाइप चाहता हूँ। फिलहाल मैं ना 1 आवर के बेसिस पे ले लेता हूँ, ठीक है, 1 आवर के बेसिस पे, और अप्लाई कर देते हैं।
ठीक है। अब मैं इन्हें ये इंडिकेटर क्यों लगाया, क्योंकि मैं एक कंडीशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वो कंडीशन ये हो सकती है कि जैसे प्राइस जो है वो ईएमए के ऊपर हो, और साथ ही में जो है चेंज इन परसेंटेज कोई सर्टेन वैल्यू हो या आरएसए हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने कंडीशन आप लगा लोगे, तो ये वॉच लिस्ट पे इस बटन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपको एक दिखेगा सेट अप एक्शंस, ठीक है। सेट अप एक्शंस, यहाँ पर आप कोई भी एक्शन बना सकते हो। दो यहाँ इसके अंदर दो चीजें, एक तो फिल्टर, फिल्टरिंग में आपका जैसे नाम ही फिल्टर है, तो यानी कि जो आपके क्राइटेरिया मैच नहीं होंगे वो नहीं दिखाए। दूसरा है एक्शन, एक्शन में क्या होता है कि आपके जो भी कंडीशन होगी उसको आप कैसे देखना चाहते हो, वो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अगर मैं जैसे एक फिल्टर बना दूं कि स्टॉक जो है मुझे सिर्फ वो देखने हैं जो 1% के ऊपर ट्रेड हो रहे, तो खाली 1% ऊपर वाले दिखाएगा, अगर नहीं हो रहे तो जीरो दिखाएगा, कोई भी स्टॉक नहीं दिखाएगा। लेकिन मैं कंडीशन बनाऊं कि 2% के ऊपर वाले को हाईलाइट कर दे कलर से, तो सब दिखेंगे, खाली 2% के ऊपर वाले जो है हाईलाइट हो जाएंगे। तो अभी एक हम कंडीशन बनाते हैं, सॉरी कंडीशन क्या बनाएंगे कि लास्ट प्राइस ग्रेटर देन 21 के ईएमए के ऊपर चाहिए, ठीक है। ये ऑफसेट है उसके नीचे, ईएमए के नीचे ना ऑफसेट है। ऑफसेट क्या होता है, आप समझो आपको ये कंडीशन बना रहे हो और आपने ये रखा है कि 1 आवर के बेसिस पे ना प्राइस ऊपर होना चाहिए ईएमए के, लेकिन जो रनिंग कैंडल है, जो लेटेस्ट कैंडल है, वो हो सकता है ईएमए के ऊपर जा रही है, फिर से नीचे आ रही है, फिर से ऊपर जा रही है, क्योंकि वो कैंडल अब तक क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, ऑफसेट को 1 रखोगे, ठीक है, क्योंकि नहीं तो आपको अलर्ट जो है बार बार आते रहेंगे। अगर आप 0 करोगे ना, तो करंट कैंडल, अब करंट कैंडल क्या है, हो सकता है वीवैप या ईएमए जो भी आपकी कंडीशन है उसके ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पर क्या 1 कर दोगे ना, तो मतलब क्या है कि पिछली कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने चार्ट ओपन करूँ, तो 0 मतलब ये करंट कैंडल, अब मान लो ये कैंडल चल रही, एक काम करते हैं क्रूड ले लेते हैं। अब देखो ये क्रूड में ये कैंडल जो है लाइव कैंडल है, इसको खत्म होने को कितना टाइम है, 1 मिनट के ऊपर टाइम बाकी, तो ये 0 कैंडल है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अब आप समझ गए ऑफसेट क्या है, तो यहाँ पे मैं ऑफसेट जो है 1 डाल सकता हूँ, अभी फिलहाल मैं 0 ही डाल दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट एनएससी तो बंद हो गया, ठीक है। तो ऑफसेट यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया। अब मेरी कंडीशन जहाँ पे भी मीट हो रही है उसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, कलर कर दो रो को, टेक्स्ट को जो है हम टेक्स्ट को जो ब्लैक कर लेते हैं और बैकग्राउंड को येलो कर लेते हैं। अप्लाई चेंजेस, टेक्स्ट ब्लैक और बैक येलो, 21 इसके ऊपर जा रहा है, कोई भी कंडीशन नहीं। ठीक है, तो ये देखो ये जो है हाईलाइट कर रहे हैं, इसको थोड़ा आप और अच्छी तरीके से भी देख सकते हो, इसको थोड़ा और कुछ करता हूँ, बैक को वाइट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले लेना, मैंने बहुत गंदा कलर कॉम्बिनेशन लिया है, ठीक है। इसको आप इनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, बना के रख सकते हो, मतलब क्या एक कंडीशन आपने बना दी ईएमए की, दूसरी कंडीशन आपने बना दी कोई और, तीसरी कंडीशन आपने आरएसआई की बना दी, तो आप ऐसे बहुत सारे कंडीशंस जो है बना के डिसेबल करके रख देना, जब आपको चाहिए आप लगा के इनेबल कर लो, ठीक है, इनेबल कर लो, नहीं चाहिए तो डिसेबल कर दो, ओके। तो इस तरीके से आप जो है सेटअप एक्शंस भी बना सकते हो, जो आपके जो क्राइटेरिया मीट होंगे उसको आप, जैसे मैंने ऑप्शन एनालिटिक्स में बताया कि आपके क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, वो आप यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। आपके जो भी कंडीशंस, आपने जो भी इंडिकेटर लगाया, अब ये याद रखो वॉचलिस्ट में जो इंडिकेटर लगाते हो ना वो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होता है। जब आप चार्ट पे एक इंडिकेटर लगाते हो तो वो एक इंडिकेटर को कैलकुलेट कर रहा है, एक सिंबल को कैलकुलेट कर रहा है, जब आप लेकिन वॉचलिस्ट में लगाते हो 200 पे लगा रहे हो, तो 200 बहुत ज्यादा हो जाता है। और ऊपर से क्या है कि हमारे पास जो है टिक डेटा है, मैं बताऊंगा टिक डेटा क्या होता है, तो कैलकुलेशन यहाँ पे ना काफी टाइम लेता है। आपको क्या करना पड़ेगा कि आप 100-150 से ज्यादा मत यूज करो, आप उससे ज्यादा यूज करोगे तो आपका कंप्यूटर का अगर उतना फास्ट नहीं है, लैपटॉप उतना फास्ट नहीं, तो स्लो हो जाएगा। अब यहाँ पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने बताया जैसे, बट यहाँ पर आप लिंक फीचर भी यूज कर सकते हो, ये ऑप्शन एनालिटिक्स में मत करना। जैसे मैंने यहाँ पर लिंक टू ब्लू कर दिया, इसको भी लिंक टू ब्लू कर दिया। अब क्या है कि अगर मैं बजाज ऑटो पे क्लिक करूंगा तो बजाज ऑटो मेरे सामने, बीपीसीएल पे क्लिक किया तो बीपीसीएल का डेटा आ गया, ठीक है। तो लिंकिंग फीचर भी यूज कर सकते, तो ये मोर ओवर वॉच लिस्ट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताया सेटअप एक्शन ही है, तो आप एक्शन बना सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो डेटा को। अगर आपको इसको लाइव देखना है तो यहाँ पर ना एक्सेल का भी है, आपको एक्सेल अगर देखना है ना, लाइव डेटा आपको लेके जाना है एक्सेल पे, आप कुछ कंडीशन होगी आपका एक्सेल में कुछ कर रहे हो, तो आप वो डेटा भी पुल कर सकते हो। तो
ये मोर ओवर वॉच लिस्ट के बारे में इतना ही है बेसिकली। हम मेन चार्ट पे आ जाते हैं, और चार्ट में ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहले मैं बेसिक चीजें खत्म कर देता हूँ तो आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना बीपीसीएल लगा है, तो मैं पहले सर्च कॉलम के पहले आपको कुछ करके दिखाता हूँ। अभी जैसे मैं एक बटन दबाऊंगा, वो शॉर्टकट बटन है सिंबल चेंज का, ये मैंने एक बटन दबाया, कौन सा सिंबल आ गया, निफ्टी 50। ठीक है, ये मैंने कैसे बनाया वो भी आपको बताऊंगा। ये निफ्टी 50 मैंने आया, अब मुझे निफ्टी 50 का फ्यूचर देखना है, तो मैंने एक और बटन दबाया तो निफ्टी फ्यूचर आ गया, फिर एक और बटन दबाया तो निफ्टी बैंक का स्पॉट आ गया, फिर एक और बटन दबाया अभी तो फ्यूचर आ गया निफ्टी बैंक का, फिर फिन निफ्टी आ गया, फिर ये मेरे पास इंडिया विक्स आ गया, फिर मेरे पास ये क्रूड ऑयल आ गया। ये सबसे ज्यादा देखी हुई चीज है, ज्यादातर लोग यही सब देखते हैं। USDINR में भी इसमें लगा सकते हो। ठीक है, आपको सारे सिंबल का नहीं बनाना है, आपको हॉट की बनानी है जो सिंबल को आप बार बार देखते हो। तो जैसे मैंने ये बनाया है, ये कैसे बनेगा, राइट क्लिक सेटिंग्स, उसके बाद हॉट की में जाना है। तो यहाँ देखो हॉट की में जो है आप बना सकते हो, यहाँ पर चार चीजें हैं, सिंबल का बना सकते हो हॉट की, इंडिकेटर का हॉट की बना सकते हो, टाइम का हॉट की बना सकते हो, या ड्रॉइंग का। ठीक है, तो मैंने ड्रॉइंग छोड़ के तीनों बनाया हुआ है। ओके, तो कैसे बनाना है, खाली आपको चूज करना है, चेंज इन सिंबल आपने सिलेक्ट कर लिया, नीचे आप गए, यहाँ पर आपको कोई भी सिंबल ले लो, जैसे मान लो एक्सिस बैंक ले लेते हैं, एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक को अभी फिलहाल मैं खाली ऐसे ही बना रहा हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। ठीक है, मैंने शिफ्ट जी यहाँ पे देखो टाइप कर दिया। अब मैं अगर इसको बंद करूंगा और शिफ्ट जी दबाता हूँ तो ये मेरे पास एक्सिस बैंक आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, क्विक आप यूज कर सकते हो, जनरली लोग इंडेक्स में काम करते हैं इसलिए ये बता रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा आप यहाँ पे सर्च तो कर ही सकते हो, वो बहुत कॉमन है, उसमें खाली ये है कि आपको टाइम लगता है अगर आप रैंडमली कर रहे हो, जैसे रिलायंस को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया तो यहाँ पर रिलायंस का चार्ट आ गया। ओके, तो ये आपका सर्च सिंबल यहाँ पे है, उसमें भी फिल्टरिंग का ऑप्शन है, तो आप फिल्टर यू भी यूज कर सकते हो, बीएससी के सिंबल नहीं देखने, एमसीएक्स के नहीं देखने, वो सब है। ठीक है, उसके इधर जो है राइट साइड में ये जो पैनल है, ये जो साइड है, इसमें आपको ड्रॉइंग्स मिलते हैं, मैं ड्रॉइंग्स में नहीं जा रहा हूँ, बहुत सारे ड्रॉइंग्स यहाँ पर अवेलेबल है। खाली ये जो फर्स्ट और सेकेंड है ना, फर्स्ट और थर्ड, इसको ध्यान रखो, ये ड्रॉइंग है, ये इंडिकेटर है। देखो मैंने इस पर क्लिक किया तो इंडिकेटर का पैनल ओपन हो गया, मुझे कोई इंडिकेटर लगाना है, समझो COT हाई लो लगाना है, या मुझे डेल्टा वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाना है। ठीक है, ये डेल्टा वॉल्यूम के कुछ स्पेशल इंडिकेटर्स है, डेल्टा क्यूमुलेटिव डेल्टा, डेल्टा डाइवर्जेंस रिवर्सल, क्यूमुलेटिव डेल्टा V1, तो ये आपको ऑर्डर फ्लो रिलेटेड कुछ इंडिकेटर लगाने, तो ये सब यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि नीचे जो थर्ड वन है, ये अलर्ट है, तो अलर्ट का देखो यहाँ होल्ड कंट्रोल की टू एड मोर, तो आप अगर ऐसे लगाओगे तो एक लग जाएगा, लेकिन कंट्रोल दबा के रखा था आप मल्टीपल अलर्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, सिमिलरली उन सबको एक ही बार में आप हटा भी सकते हो यहाँ पे क्लियर ऑल करके। ओके, तो ये पैनल आप एक्सप्लोर कर देना, इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ डिटेल में। ऊपर जो टाइम फ्रेम है, इससे स्टार्ट करते हैं अभी। तो यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है, इसमें मैंने आपको बताया कि मैं आपको टिक टिक डेटा बताऊंगा क्या होता है। तो ये मैं ना यहाँ पर पीरियड वन पे टाइम फ्रेम वन रख रहा हूँ, सेकेंड और 3 आवर्स, ये जो है ना ये 1 सेकेंड का, अभी आप चार्ट देखोगे ये 1 सेकेंड का चार्ट है, ये डेटा आपको नहीं मिलता है। ठीक है, ये डेटा एक्सपेंसिव डेटा होता है, आपको 1 मिनट का डेटा मिलता है, आप किधर भी जाओगे आपको मोस्टली 1 मिनट का मिलेगा। जिनको ऑर्डर फ्लो चाहिए होता है, वॉल्यूम एनालिसिस चाहिए होता है, उनके लिए ये टिक डेटा चाहिए। ठीक है, टिक डेटा के बगैर ऑर्डर फ्लो वॉल्यूम एनालिसिस नहीं चलता है, ये टिक डेटा है। ठीक है, एक्चुअली इसको 1 सेकेंड टिक डेटा बोलोगे आप। ठीक है, 1 सेकेंड स्नैपशॉट है, तो ये NSE से ये डेटा आता है और आपको ये डेटा मिलेगा, ऑर्डर फ्लो के लिए आपको यही डेटा चाहिए होता है। ठीक है, अब ये डेटा जो है आपको ब्रोकर भी दे सकता है या डेटा वेंडर, तो ब्रोकर जो है वो हमारे पास चार तीन चार ब्रोकर है वो देते हैं, प्लस ऑर्डर फ्लो और ट्रू डेटा भी है। मैं जनरली ट्रू डेटा प्रेफर करता हूँ क्योंकि डेटा क्वालिटी वाइज ट्रू डेटा काफी बेटर है। ठीक है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, एंड में मैं उसका डिटेल में बताऊंगा। अगेन मेरे पास कुछ शॉर्टकट है, मैं दबा के वापस नॉर्मल 5 मिनट के चार्ट पे आ गया। तो इसमें टाइम फ्रेम के अलावा आप टाइम फ्रेम सेट कर सकते हो, उसका शॉर्टकट सेट कर सकते हो, कोई प्री उसके साथ साथ यहाँ पर ना कुछ और भी तरीके के चार्ट्स है, वॉल्यूम के, पॉइंट एंड फिगर है कि नाशित, ये एक्सप्लोर कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये जो हिस्टोरिकल डेटा है, जैसे आप कोई कैश वगैरह में जैसे रिलायंस देख रहे हो, 20 साल का देखना है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो आप वो देख सकते हो, और यहाँ पे कुछ और तरीके के कैंडल्स है। ठीक है, नॉर्मल है ये। इसके बाद ये जो पैनल है, ये मैं अभी बैक टेस्टिंग चालू करूंगा तो आपको बताऊंगा कि बैक टेस्टिंग के मोड में कैसे ट्रेड करते हैं कॉन्टावर में, तो इसमें तभी आता हूँ। अब ये जो लास्ट है, ये मेन पैनल है, यहाँ पर ज्यादातर लोग, आप लोग ने ऑर्डर फ्लो या वॉल्यूम एनालिसिस से रिलेटेड ही कॉन्टावर का नाम सुना रहेगा, तो ये या तो ट्रेडिंग के बेस पे, तो ये जो है पूरा वही सेक्शन है। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो है क्लस्टर चार्ट है, क्लस्टर का क्लस्टर यानी कि ऑर्डर फ्लो,
ऑर्डर फ्लो के ऊपर जो है एक पूरा डेडिकेटेड वेबिनार होगा थर्सडे को, ठीक है। बेसिक वेबिनार होगा, हर कोई अटेंड कर सकता है। उसके बाद फ्राइडे को एक एडवांस वेबिनार होगा जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए कॉन्टावर का, ठीक है। तो उसके बाद आपको बेसिक में जो है मैं ये डेटा जो है बताऊंगा। अभी आज मैं खाली आपको इतना बताऊंगा कि अगर आपने ये ट्रेड कर रहे होते और ऑर्डर फ्लो पे आपकी नजर होती तो आप यहाँ पर जो है, यहाँ पर सॉरी ये तो रिलायंस बिल्कुल लगा दिए। तो अगर आप ऑर्डर फ्लो के बेस पे अगर डेटा देख रहे होगे तो आपको यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुछ आपको अच्छे ट्रेड्स मिलने का चांसेस था। ये इम्बैलेंस बोलते हैं इसको, जनरली क्या है मार्केट इनके सपोर्ट लेते हैं और रेजिस्टेंस, ये देखो ये जो रेड लाइन है ना यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला है। तो ये इम्बैलेंस इम्बैलेंस जो ट्रेडिंग करते हैं स्कैल्पिंग करते हैं उनके बेसिस पे। उसके अलावा डेल्टा वगैरह होता है। अभी देखो मार्केट जब ओपन हुआ तो उसने इसका सपोर्ट लिया, ये जो एक लाइन है जो कि कल स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम बेसिक में समझेंगे और फिर एडवांस ऑर्डर फ्लो में बहुत डिटेल में जाऊंगा, ठीक है। तो एडवांस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए कॉन्टावर का, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं कस्टम प्रोफाइल से। तो वॉल्यूम एनालिसिस के टूल्स जो भी है उनके ऊपर बात करते हैं। ये कस्टम प्रोफाइल क्या है? वॉल्यूम एनालिसिस का ही टूल है, बट क्योंकि इसका नाम कस्टम है क्योंकि आपको ये कस्टम एरिया सेलेक्ट कर सकते हो, ओके। उसके बेसिस पे आपको बताएगा, मैंने जैसे ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और अब मैं इसका एक टिक साइज सेट करूंगा। इन केस आपको टिक साइज नहीं पता है, बाद में हम उसके बारे में बात करेंगे कि टिक साइज क्या होता है। अभी फिलहाल अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये टिक साइज मैंने यहाँ पे ना 200 टिक साइज सेट किया और ये बता रहा है कि 6000 वॉल्यूम लगभग यहाँ पे ट्रेड हुई थी, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल था 6000 के पॉइंट के बेसिस पे बात किया जाए। तो इसको एक्सटेंड करता हूँ तो देखो यहाँ पे मार्केट जो है इसके ऊपर ओपन हुई। फर्स्ट टाइम पे इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिला, सेकंड टाइम इसने जब ब्रेक किया तो बहुत अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर आया। फर्स्ट टाइम में बिल्कुल वॉल्यूम मिसिंग था जब इसके ऊपर गया प्राइस, तो ठीक है। तो ये कल का पॉइंट ऑफ कंट्रोल था, कल जो है सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड हुई थी, ओके। कल यानी कि लास्ट ट्रेडिंग डे की बात कर रहा हूँ और इस वजह से जो है इसके ऊपर थोड़ा इंपॉर्टेंस था, ओके। इसके पहले कई दिन का भी एक बार देख लेते हैं। जनरली क्या है हाई लो, जो एक कोई हाई एरिया लो एरिया है ना उसके बेसिस पे भी देखा जाता है। अभी फिलहाल मैं खाली वन डे के हिसाब से देख रहा हूँ। कस्टम आप जनरली एक हाई और लो एरिया के बेस पे देखते हो, ठीक है। तो इस वाले को ना अभी बंद करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये जो इसका जो एरिया, इसका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो करीबन यहाँ पे बन रहा है। जनरली मैं 300 पॉइंट लेता हूँ बैंक निफ्टी में, अगर वन डे का देख रहा हूँ। अभी फिलहाल जानबूझ के मैं खाली 200 ले रहा हूँ, जनरली मैं 300 टिक प्रेफर करता हूँ। प्राइस इसके नीचे ही था पूरा टाइम और यहाँ पर भी आज भी देखोगे तो इसके नीचे जो अगर जो क्या बोलते हैं इसके इधर क्लोज नहीं कर पाया, ठीक है, जब मार्केट आज जब ओपन हुआ। लेकिन इसके ऊपर ही आई थिंक सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया था, तो ये दोनों पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर गया तब जाके। तो ये जो है ये वॉल्यूम एनालिसिस है, वॉल्यूम एनालिसिस का फीचर है। कस्टम प्रोफाइल्स, अलग अलग तरीके के प्रोफाइल्स है ये कस्टम है। कस्टम बेसिकली कैसा है कि अभी जैसे ये तो सेशन वाइज हो गया वन डे। जनरली इसको देखा कैसे जाता है, कोई एक मार्केट ने हाई बनाया है और कोई एक लो बनाया है, ठीक है। तो आपको कस्टम एरिया आपने डिसाइड कर लिया, आप उसके बेस पे आपको देखना है, आप वो देखते हो। इसमें उस ये भी होता है कि आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, क्या वैल्यू इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो ये 200 टिक के हिसाब से इतना वैल्यू आ रहा है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से टिक का आप यूज करते हो उसके बेस पे क्या वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद ये भी बताता है कि वॉल्यूम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाई वॉल्यूम हाई नोड वॉल्यूम किधर है, क्या डेटा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद जो है स्टेप प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल और राइट प्रोफाइल, ये सब जो है एक तरीके के प्रोफाइल्स ही है जैसे कस्टम है। स्टेप जो है वो सेशन वाइज है, जैसे मैंने इसको स्टार्ट कर दिया और वन डे कर देता हूँ, ठीक है। इसकी सेटिंग में जाके इसको थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं, ग्राम से 30%। तो अभी देखो ये हर दिन का जो है, जो मैंने अभी कस्टम से किया था ना वो खुद ही कर रहा है अभी, ओके। हर दिन का जो है अपने वहां इसने सेशन बना दिया, ओके। इसको आप कैसे है, ये जो आप पूरे दिन का है तो आप ऑब्वियसली इसको रीड ऐसे करते हो कि पूरा डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। साथ ही में आप ये जो अभी जो हाईलाइट कर रहे हैं ना वो 70% ऑफ द वैल्यू एरिया हाईलाइट कर रहा है। मैं इसको फुल भी कर सकता हूँ, जैसे नन कर दिया तो अभी ये पूरा एरिया दिखा रहा है, ठीक है। तो आप वैल्यू एरिया चूज देख सकते हो कि कितना वैल्यू एरिया है। जनरली 70% जो है वो वैल्यू एरिया रखते हैं, 70% ऑफ द वैल्यू किधर है, ओके। तो ये आपका स्टेप प्रोफाइल हो गया। इसमें डेटा पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं, आप मल्टीपल भी देख सकते हो। अब जैसे एक तो वन डे का चालू किया, दूसरा आपने एक जो है वॉल्यूम चालू किया वो समझो आपने वो चालू किया पूरे वीक का, आपको पूरे वीक का भी वॉल्यूम देखना है कि कैसे फॉर्म आउट हो रहा है,
तो आप मल्टीपल भी चला सकते हो, इसका जो है साइज छोटा कर दो या कलर दूसरा कर दो, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। ये स्टेप प्रोफाइल है, उसके बाद लेफ्ट एंड राइट प्रोफाइल है, इसमें मैं एक ही स्टार्ट करता हूँ, राइट प्रोफाइल, खाली लेफ्ट वाला राइट लेफ्ट साइड आएगा, राइट वाला राइट साइड। तो इस पे मैं क्या बोल रहा हूँ इसको कि आज का ही प्रोफाइल जो है वो मुझे बना के दिखा, कलर में चूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आज का प्रोफाइल जो है वो इसने फिर से यहाँ पे बना दिया। इसका मैं अगेन जो हाईलाइट कर रहा है वो 70% कर रहा है, जो ये एरिया, अच्छा यहाँ पे रीलोड नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो आज मार्केट में एक्चुअली एंड ऑफ द, इसमें भी थोड़े बहुत वॉल्यूम्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ओके। तो अभी डेटा जो है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम था, यहाँ पे वॉल्यूम था, जो एकदम लो वॉल्यूम एरिया होता है ना, यहाँ पे प्राइस जो है अगर वापस आता भी है तो बहुत क्विकली एक से दूसरी जगह चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज जो है लो वॉल्यूम नोट्स होते हैं ना वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो ये आपका हो गया राइट प्रोफाइल लेफ्ट प्रोफाइल, ठीक है, लेफ्ट वाला राइट साइड आ जाएगा। उसके बाद बार स्टैटिस्टिक्स देखने के लिए टाइम स्टैटिस्टिक्स आपको ऑन करना होता है, तो हर एक कैंडल का जो है स्टैटिस्टिक्स बताएगा और हाईलाइट करता है कलर के हिसाब से। बड़ा वैल्यू है तो ब्राइट हो जाएगा, जैसे देखो ये बड़े वैल्यूज है तो ब्राइट हो गए, छोटे वैल्यूज है तो डार्क हो जाएंगे। तो ये आपको कुछ भी आप देख सकते हो, ट्रेड्स कितने हुए हैं, वॉल्यूम कितना था, बाय वॉल्यूम कितना था, सेल वॉल्यूम डेल्टा कितना था, ठीक है, डेल्टा डेल्टा परसेंटेज कितना था। अब जैसे यहाँ पे ना मैं एक आपको डेल्टा वॉल्यूम का इंडिकेटर एक लगा कर दिखाता हूँ, एक में इंडिकेटर है, इसका मैं एक प्रॉपर इंडिकेटर भी लिखा हूँ, डेल्टा वॉल्यूम। अब इसमें मैं अगर इसको बोलता हूँ कि मुझे 1500 लॉट के ऊपर का डेल्टा वॉल्यूम देखना है, जहां पे भी आ रहा था, देखो यहाँ पर आया था 1500, यहाँ पे आया था, फिर यहाँ आया था, फिर यहाँ आया था, फिर लास्ट में इन दोनों पे, ठीक है। तो ये जो है 1500 मतलब क्या, 1500 लॉट, ठीक है, 1500 ये लॉट की क्वांटिटीज में बता रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको क्वांटिटी से, जो भी इसका लॉट साइज है उससे आप मल्टीप्लाई करोगे। ये जो है आप इसको चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे सेटिंग्स में जाके आपको क्वांटिटीज में देखना, आप क्वांटिटीज में भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी सारा लॉट्स में बता रहा है डेटा, और तो इसको अभी वापस से डिसेबल कर देते हैं। उसके बाद जनरली क्योंकि लोग हिस्टोग्राम में या तो वॉल्यूम या डेल्टा ही देखते हैं, तो हिस्टोग्राम क्या है, अब आप टाइम स्टैटिस्टिक्स में डेटा देख रहे हो, बट इतने सारे डेटा में से कोई एक डेटा होगा जो आपको इंपॉर्टेंट है, बार बार देखना है, वॉल्यूम हो सकता है, डेल्टा हो सकता है, उसका आप इनेबल कर लो टाइम हिस्टोग्राम में। तो वो देखो ये भी आपको एकदम क्या, ये विजुअली समझ में आता है भाई, यहाँ पर बड़े बार से इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हो, मैंने इसको बहुत छोटा रखा हुआ है 10%, जनरली आपका 30% पे स्टार्ट होगा, तो ऐसे, ठीक है, मैंने इसको जानबूझ के चलिए 15% रखना चाहिए। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे विजुअली पे हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इंस्टाग्राम ऑब्वियसली एक ही लगा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते, अब वॉल्यूम या डेल्टा कुछ लगा लेना आपको। उसके बाद है आपका वीवैप और कस्टम वीवैप। तो कस्टम वीवैप जो है वो एंकर वीवैप की तरह है, आपको पता है यहाँ से एक ट्रेंड आया था, और तो आपने यहाँ क्लिक किया, यहाँ से अब आपका यहाँ से पूरा आपका ये पकड़ रहा है, ठीक है, जो भी वीवैप है वो यहाँ से फॉर्म हो रहा है। और अगर मैं नॉर्मल व्यू ऐप लगाना चाहूँ तो नॉर्मल भी लगा सकता हूँ। तो कस्टम व्यू ऐप जैसे आपको समझ गया, कस्टम एरिया से, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, एक दूसरा व्यू ऐप ओपन करते हैं। ये टिक बेस्ड व्यू ऐप है, जो मैंने अभी टिक डेटा होता है ना 1 सेकंड का, जनरली आप जो व्यू ऐप देखते हो वो 1 मिनट का होता है, ये टिक बेसिस पे, ठीक है, तो टिक बेसिस ज्यादा एक्यूरेट होता है इसे। अब ये 1 आवर का दिखा रहा है, इसको मैं 1 डे कर देता हूँ, 1 डे में ये देखो ये एक्सटेंड हो रहा है, क्योंकि मेरा जो सेटिंग्स है उसमें इनेबल फॉरवर्ड एक्सटेंशन है, तो इसको मैंने डिसेबल कर दिया। व्यू ऐप 2 भी ओपन कर लेते हैं, वीवैप टू इसको हम बना लेंगे डेज का, 1 इसको हम वीक का कर लेते हैं, वीक। तो ऑप्शन सेलर हो आप तो आपको 1 वीक का वीवैप देखना है, प्राइस ऊपर चल रहा है नीचे चल रहा है 1 वीवैप के, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और दूसरा कलर दे देते हैं। तो ये आपका जो है ये आपका ये वीवैप, ये भी एक्सटेंड हो रहा है यहाँ पे, एक आज से एक्चुअली नया वीवैप वीक का चालू होगा, वो भी एक्सटेंड हो रहा है, इसको भी बंद कर देते हैं एक्सटेंड। तो एक सेकेंड, हाँ आई थिंक देयर इज सम, ओके, इट्स रियली फनी, मेरे कोई एक बग आ गया है, आई थिंक विंडो ओपन,
सॉरी, देखिए विंडो ओपन नहीं करने से कोई बग आ गया, सॉरी। ऑलराइट, तो ये जो है वीवो ऐप, ये भी आप ओपन कर सकते हो। इसमें जो फॉरवर्ड सेकंड का जो है उसका भी एक्सटेंशन इनेबल्ड है, तो आप इसको बंद कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो है नॉर्मल वीवो ऐप, अभी ये एक्सटेंड नहीं हो रहा था, ये नया वीवो ऐप आज के डेट से स्टार्ट हुआ है। ये बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको पता करना है कि प्राइस जो है वीक के वीवो ऐप के ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है, ठीक है। अभी जैसे मार्केट को एक ट्रेंड पकड़ा हुआ है तो जनरली आपको ऊपर ऊपर दिखेगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे तो आप डे का भी वीवो ऐप देख रहे हो, डे के वीवो ऐप में कैसे चल रहा है और वीकली वीवो ऐप में कैसे चल रहा है, तो वो चीज है। तो ये वीवो ऐप हो गए। उसके बाद यहाँ पे टाइम एंड सेल्स का डेटा है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये पावर ट्रेड है, टाइम एंड सेल्स का मैं आपको एडवांस ऑर्डर फ्लो में बताऊंगा। तो ये पावर ट्रेड है। पावर ट्रेड में कैसा है कि जो भी आप पावरफुल ट्रेड्स देखना चाहते हो, मान लो कि एक बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में एक बहुत बड़ी क्वांटिटीज, जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको इनेबल करके दिखाता हूँ। अगर मैं पावर ट्रेड पे 300 लॉट मैंने यहाँ पे डाला हुआ, 300 लॉट क्या है, एक लॉट को ट्रेड करने के लिए आपको पता है रफली जैसे 1.5 लाख रुपया लग रहा है। तो आपको 300 लॉट अगर ट्रेड करने, ठीक है, तो 300 लॉट के लिए काफी बड़ा पैसा लगेगा, और रिटेलर्स जो है 300 लॉट में ट्रेड नहीं करते, ठीक है। अब आप छोटा टाइम फ्रेम भी रख सकते हो, 1 सेकेंड, मैंने यहाँ पे 5 सेकेंड रखा हुआ है। तो क्योंकि मैं ये एक्टिविटी देखना चाहता हूँ कि क्या वॉल्यूम्स एक्टिव है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं इसको वन डे कर लेते हैं ताकि अच्छे से एकदम देख सके। अभी देखो आपको यहाँ पर एक चीज दिखेगी कि मार्केट में बहुत ही ऐसा कुछ व्यूअर्स, कुछ भी पावर ट्रेड इतना एक्टिव ऐसा कुछ आ रहा है, बट यहाँ से देखो क्या व्यूअर, कितना पावर ट्रेड है, 300 लॉट से पूरा भरा हुआ ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की एक्टिविटी है। कभी भी आपको ये एरिया देखना हो ना कि मार्केट जब कोई ब्रेक कर रहा है हाई या लो, उसके बाद अगर आपको देखना है कि भाई वॉल्यूम एक्टिव है कि नहीं है, तो आपको एकदम इजीली पावर ट्रेड से पता चल जाएगा। क्योंकि पावर ट्रेड्स आपको अगर बहुत सारे दिख रहे, अगर एक कैंडल में 2 या 3 पावर ट्रेड दिख गए ना, तो आप समझो वहां पे इंस्टीट्यूशंस की बाइंग चली रही है, मतलब ट्रेडिंग तो चल रही है। मार्केट मोस्ट प्रोबेबली 80% ऑफ द टाइम फिर वो डायरेक्शन में जाते ही है। एक पावर ट्रेड के पीछे मत जाना। जैसे देखो ये एक पावर ट्रेड है, ये एक पावर ट्रेड है, मल्टीपल 2-3। अब ये कैंडल देखो पूरा पावर ट्रेड से भरा पड़ा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्टिविटी बहुत हुई है। अब बाय हुआ है सेल हुआ है वो आपको ऑर्डर फ्लो से पता चल जाएगा, पावर ट्रेड से भी पता चलता है। बट पावर ट्रेड को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप रीड करो, आप खाली यहाँ देख लो एक्टिविटी हो रही है, उसके बाद ऑर्डर फ्लो में जाके आप देखो कि भाई क्या हुआ है, क्या आपको उस पर ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये पावर ट्रेड जो है आप ये यूज कर सकते हो और इससे भी आपको मतलब बेनिफिट है। अब हम थोड़ा सा मार्केट रिप्ले देख लेते हैं। ये मार्केट रिप्ले, मार्केट रिप्ले में क्या आप डेटा जो है ना वापस रिप्ले कर सकते हो। तो मार्केट रिप्ले जैसे मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करनी है, एक पर्टिकुलर डे, एक डेट से, मतलब जैसे आपने कोई डेट चूज कर लिया उससे आपका लास्ट डेट आपको कब रखनी है। जैसे अगर मैं 17 जुलाई रख लेता हूँ यहाँ पे, तो ये 3 जुलाई से 17 तक का मैंने चूज किया, और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। अब मैं बिल्ड फ्रॉम टिक डेटा कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप 1 मिनट भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। तो आप टिक डेटा कर रहे हो तो टिक डेटा, ऑर्डर फ्लो का बैक टेस्टिंग करना है तो टिक करो, नहीं तो आप नॉर्मल आप यूज कर रहे हो तो 1 मिनट करो, तो डेटा और भी जल्दी लोड होगा। ये स्पीड है, ये स्पीड जो है बाय डिफॉल्ट 20-30% होगी। अगर आपका कोई स्पीड ना, यहाँ पे एक छोटा सा बग है, आप क्लिक करोगे तो वो 100% बाय डिफॉल्ट चला जाता है, वो स्क्रीन साइज की वजह से। तो आप स्क्रीन साइज, इसका हर किसी का स्क्रीन साइज के बेस पे है, वो किसी को आता है किसी को नहीं आता है। तो यहाँ पे देखो स्क्रीन साइज छोटा करके मैं इसको वापस सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप 30% मैंने इसको कर दिया। अब मैं इसको स्टार्ट अगर करूंगा, ये डेटा जो है लोड करे। अब मैं दोनों चार्ट देख सकता हूँ, फिलहाल मैं एक एक करके लगाता हूँ। तो ये जब मैं क्लिक करूंगा ना विजुलाइजर पे, तो मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, डेटा थोड़ा स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक तो ओपन कर दिया, दूसरा भी ओपन कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ चल रहा है मेरा बैंक निफ्टी और यहाँ पे मैंने निफ्टी ले लिया, ठीक है। इसको ऑटो कर देते हैं। मेरे को ऑर्डर फ्लो की टेस्टिंग करनी हो तो मैं देखो आसानी से इसको इनेबल कर दिया, इसको भी इनेबल कर दिया। मेरी टिक साइज ऑलरेडी दी हुई है, इसलिए वो डेटा जो है अपने आप दिखा रहा है। आपको टिक साइज का जो डेटा है वो डालना पड़ेगा। कैसे डालना पड़ेगा, ये जो बटन है इस पर क्लिक करके आप टिक डाल सकते हो। अगर आपको टिक का मतलब नहीं मालूम है और कैसे करना है, वो ऑर्डर फ्लो में मैं सिखाऊंगा अभी वेबिनार में, कुछ दिन बाद यानी कि परसों का वेबिनार, नहीं थर्सडे के वेबिनार में, ठीक है। तो आप आउट ऑफ लो की बैक टेस्टिंग जो है करना चाहते हो दोनों का कर सकते हो, मैंने खाली जस्ट आपको दिखाया। इसके बाद मैं वापस ये ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है मुझे ट्रेडिंग भी करके दिखानी है आपको कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। इसको मैंने डिसेबल कर दिया, ठीक है।
उसके बाद मैं ये पैनल पे जाता हूँ, इसको इनेबल कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकता हूँ, कोई भी क्वांटिटी आप सिलेक्ट कर लो। मान लो मैं कर ले रहा हूँ 12 क्वांटिटी। 12 क्वांटिटी सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पे प्लेस कर देता हूँ। तो अब देखो मैंने जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो यहाँ दिख रहा है, क्वांटिटी कितनी है, बाय है इसलिए ये ग्रीन कलर में दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितने रेट पे बाय किया हुआ है, 42, 45, 132। अब ये जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब मुझे मान लो इसके एसएल लगाने, टारगेट में एस मार्केट पे दबाऊंगा तो एग्जिट हो जाएगा पोजीशन, बट मान लो मुझे एसएल लगाना है, टारगेट लगाना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो बटन है ना, ये कीबोर्ड पे देखो, माउस ट्रेडिंग, यहाँ पे कीबोर्ड ट्रेडिंग भी है, माउस ट्रेडिंग भी है। तो मैं कीबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, माउस ट्रेडिंग पे क्लिक करता हूँ और मैं कंट्रोल दबा के रखूंगा। तो कंट्रोल दबा के क्या है, राइट और लेफ्ट क्लिक दबाने, राइट क्लिक दबाऊंगा तो और बाय के पोजिशन लगेंगे। तो मतलब बाय का पोजिशन अगर जैसे मैंने इधर लगाया तो एवरेज हो जाएगा, इस इधर बाय किया है ऊपर भी हो जाएगा, बट मुझे सेल करना है क्योंकि वो मेरा टारगेट है, ठीक है। ये मेरा टारगेट है, ठीक है। और मुझे स्टॉप लॉस भी लगाना है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो ये मेरा जो टारगेट है, या आप मुझे इसको बोल सकते हो टेक प्रॉफिट, और ये आपका एसएल, ठीक है। ये एसएल और टीपी जो यहाँ लिखा ना, वो इंडियन वर्जन में काम नहीं करते, खाली ग्लोबल में करते, तो इनको मत यूज करना। तो अभी ये मेरा ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे हिट हो जाएगा, बट ये जो नीचे वाला है ना, ये अपने आप जाएगा नहीं, ये एक ब्रैकेट ऑर्डर नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये मल्टीपल ऑर्डर से आपका ये टारगेट हिट हो गया तो आपका स्टॉप लॉस अपने आप जाएगा नहीं, आपको खुद कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको मॉडिफाई तो कर ही सकते हो इजीली, बट आपको कैंसिल खुद करना पड़ेगा। अगर आपको वैसे करना है, स्कैल्प करना है छोटे छोटे रेंज में, या आपको एसएलटीपी, तो आप लोकल ओसीओपी ट्रेड कर सकते हो। इसका हमने एक यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, लोकल ओसीओपी, आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो ये जो है, इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। अब मुझे मान लो ये ऑर्डर कैंसिल करना है, तो मैं यहाँ से कैंसिल, डोंट शो अगेन कर देते हैं, ये कैंसिल कर दिया। मॉडिफाई करना है, ये मॉडिफाई कर दिया, प्राइस नीचे लेके आ जाओ ताकि बुक हो जाए, तो ये मेरा प्रॉफिट बुक हो गया। तो ये सब मैं ट्रेडिंग जो है यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। सारी ट्रेडिंग आप यहाँ से कर सकते हो। फ्लैटन कर दोगे तो पूरा चार्ट पे जो भी है सब क्लोज हो जाएगा। क्लोज पोजीशन कर सकते हो, कैंसिल ऑर्डर, कैंसिल बाय के खाली, कैंसिल सेल के, कैंसिल लिमिट, कैंसिल स्टॉप, तो हर तरीके का पोजिशन आपका कैंसिल करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ट्रेडिंग का पैनल है, इसको मैं यहाँ पे भी बंद कर देता हूँ, वापस से हम रिप्ले पे आ जाते हैं। तो मैंने क्योंकि कुछ टेस्टिंग की है, कुछ चीजें देखी है, तो मैं विजुलाइजर में ना अकाउंट परफॉर्मेंस में जाके अपना ट्रेड देख सकता हूँ। तो मेरे को प्रॉफिट हुआ था उस ट्रेड में, और मैं उसका जो भी चीजें हैं स्टैटिस्टिक्स है वो यहाँ पे देख सकता हूँ, ओके। तो आप मैनुअल बैक टेस्टिंग कर सकते हो। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ अभी, ये बंद कर दिया मैंने मार्केट रिप्ले, ओके। तो इस तरीके से जो है आप ये पैनल का भी, बैक टेस्टिंग का भी यूज कर सकते हो। ऑलराइट, आई डोंट सी एनी मोर क्वेश्चंस, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।